हेलो स्टैंडर्ड थर्ड, दिस इज अवर फोर्थ लेक्चर. इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टीच यू हाउ टू मेक अ फनी गेम ओवर देयर, है ना. मैंने आपको बताया था कि एक पेज में कैसे आप अलग अलग एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स ड्रॉ करके गेम कर सकते हो, खेल सकते हो, जो कि आपको उसमें बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा. आप एनिमल्स को ऑब्जर्व करना सीखोगे और आपको मज़ा आएगा और आपकी ड्राइंग स्किल भी इम्प्रूव होगी. तो आज हम इस लेक्चर में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई आगे क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं. चलो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, रीड करते हैं. स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, मतलब एक पेड़ के नीचे कुछ वक्त बिताओ. ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, मतलब जो भी एनिमल्स दिखते हैं उसको अच्छे से देखो. नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, मतलब आपको जो जो एनिमल दिखते हैं उसके नाम लिखो, ठीक है. तो चलो यहाँ पर आपको एक टास्क दिया है, मैंने आपको जो होमवर्क में दिया था, है ना, अभी मैं वो ही आपको सिखा रही हूँ, ठीक है. आपने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप ये मैच कर सकते हो. मुझे जो लगा वो मैंने लिखा है, आपको जो जो दिखते हैं वो आप लिख सकते हो. चलो, ऑन द ब्रांचिस, मतलब पेड़ की डालियों पर आपको कौन कौन से एनिमल दिखते हैं. जो यहाँ पर देखो, मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, हमारा ये फर्स्ट वाला पिक्चर ये है ना, ये सब ब्राउन कलर की जो दिख रही है इसको हम ब्रांचिस बोलते हैं, जिस पर ये पिजन बैठा है, मंकी है, ये एंट्स जा रही है, ये मैना है, यहाँ पे स्पेरो है, पैरोट है, फिर स्क्विरल है, क्रो है. तो ये सब लोग, ये सब एनिमल पेड़ की ब्रांचिस पर बैठे हैं, ठीक है. तो इनमें से भी हम कुछ लिख सकते हैं. चलो, मैंने यहाँ पे पहले लिखा है मंकी. तो अगर आपके पास बुक आ गई है तो आप मेरे साथ साथ इसमें लिख सकते हो, ठीक है. मंकी का स्पेलिंग लिखा, फिर है ants, एंट्स, एंट्स मतलब चींटियाँ. फिर है snake, स्नेक मतलब सांप. तो ये तीन एनिमल हैं जो कि मैंने ब्रांच पर लिखे हैं. ऑन द लीव्स, मतलब पेड़ के पत्तों पर कौन से हमें एनिमल दिखते हैं. तो spider, स्पाइडर मतलब मकड़ी. snail, स्नेल, स्नेल जिसको आप गुजराती में शंख भी एक उसका नाम है, जो कि मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि रिसेंटली रेनी सीजन चल रही है और हमको ज़मीन पर, दीवार पर, पेड़ों पर स्नेल दिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्नेल लिखा है. फिर है बीटल, BEETLE, बीटल मतलब एक इंसेक्ट है जो कि पेड़ों पर दिखते हैं, उड़ते रहते हैं, पर्टिकुलर रेनी सीजन में ज़्यादा दिखते हैं. अगर आपको उसके पिक्चर देखने हैं, देर आर सो मैनी बीटल्स इन दिस वर्ल्ड, तो आप गूगल में बीटल करके सर्च करोगे तो पिक्चर दिख जाएगा. नाउ थर्ड वन, ऑन द ट्रंक, ट्रंक मतलब पेड़ की जो थना होता है, नीचे का हिस्सा जो कि जमीन से बाहर निकलता है, जिसको हम गुजराती में थर्ड बोलते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं. तो ट्रंक पे कौन कौन से एनिमल होते हैं, तो कि स्लोथ एक हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने उसको डिस्कवरी में देखा है, इसलिए मैं पेड़ के ट्रंक पर स्लोथ मैंने लिखा है. फिर है वुड पेकर, WOOD, वुड, PECKER, वुड पेकर मतलब लकड़ खोद, जिसको गुजराती में आप लकड़ खोद बोलते हो. फिर है PAROT, पेरोट,
पेरोट की मतलब तोता, जिसको गुजराती में हम पोपट बोलते हैं। नेक्स्ट वन है ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन पर आपको कौन कौन से एनिमल दिख सकते हैं। तो PEACOCK, पिकॉक मतलब मोर। FROG, फ्रॉग मतलब कि मेंढक। GRASS, ग्रास। HOPPER, ग्रास होपर, ये भी एक इंसेक्ट है। अभी रेनी सीजन में आपके घर में ऐसे जंप करता हुआ एक टिड्डा, जिसको गुजराती में हम टिड्डा टिड्डा बोलते हैं ना, ग्रीन कलर का ब्राउन कलर का आता है घर में, उसको हम ग्रास होपर बोलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर 5 नंबर मैंने दे के रखा है, अराउंड द ट्री, मतलब पेड़ के आजू बाजू। आप पेड़ के ऊपर की साइड, नीचे की साइड, कहीं पर भी के एनिमल के नाम लिख सकते हो। तो मैंने ग्राउंड के और लिखे हैं, काउ मतलब गाय, डॉग मतलब कुत्ता, और गोट मतलब बकरी। तो अगर आपको एनिमल के नाम लिखने होमवर्क में नहीं आए हैं तो इसमें बुक में भी लिखना, और होमवर्क में एक बार और लिखोगे तो आपको देखो 15 स्पेलिंग आएंगे नए नए। कितने? 15। तो आपकी वोकेबिलिटी है ना, वो इम्प्रूव होगी। वोकेबिलिटी मतलब शब्द भंडोर। आपको अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स होने चाहिए नाम अलग अलग चीज़ों के। तो उसको हम इसके जरिए सीख सकते हैं। चलो अभी एक और एक्सरसाइज हमको करनी है। नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, मतलब ये जो आपने सारे एनिमल के नाम लिखे, उनको उनकी साइज मतलब वो कितने छोटे बड़े हैं, उसका कद है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। लेकिन किस सीक्वेंस में? तो के स्मॉलेस्ट बिगिन द फर्स्ट, मतलब सबसे पहले सबसे छोटे एनिमल का नाम लिखना है। यहाँ हमने 15 एनिमल के नाम लिखे हैं, तो उसमें जो सबसे छोटा एनिमल है उसका नाम सबसे पहले लिखना है। तो इनमें मुझे आंट मतलब कीड़ी चींटी सबसे छोटी लगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा ANTS, एंट्स। फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन सा एनिमल है? तो कि ये स्पाइडर मतलब कि मकड़ी, तो मैंने यहाँ स्पाइडर लिखा। फिर उससे थोड़ा बड़ा मुझे स्नेल लगा, तो मैंने यहाँ थर्ड वन में SNAIL, स्नेल लिखा। चलो इससे बड़ा कौन होता है? तो कि बीटल, बीटल है। वो अलग अलग साइज में मिलते हैं, लेकिन मैंने एवरेज साइज समझ के बीटल को यहाँ 4 नंबर पे लिखा है, BEETLE, बीटल। फिर बीटल से बड़ा होता है ये ग्रास होपर, तो मैंने यहाँ लिखा GRASSHOPPER, ग्रास होपर। फिर ग्रास होपर से बड़ा इन सब में मुझे लगा ये फ्रॉग, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा FROG, फ्रॉग। फिर फ्रॉग से भी बड़ा होता है ये वुड पैकर मतलब लकड़ खोद, तो मैंने यहाँ लिखा 7 नंबर पर WOOD, वुड, PEACKER, वुड पैकर। फिर वुड पैकर से भी बड़ा एनिमल कौन सा है भाई इन सब में? तो के मुझे लगा है पैरोट, पैरोट वुड पैकर से बड़ा है, तो मैं यहाँ 8 नंबर पर लिख रही हूँ PARROT, पैरोट। फिर पैरोट से भी बड़ा कौन है? तो कि ये मुझे लगा स्नेक मतलब सांप, तो मैं स्नेक को यहाँ 9 नंबर पे डाल रही हूँ SNAKE, स्नेक सांप। अभी इससे बड़ा कौन है? तो इन सब में मुझे लगा ये डॉग कुत्ता, तो मैंने 10 नंबर पे लिखा है DOG, डॉग। अभी डॉग से भी बड़ा कौन है? तो के मंकी ये वाला, तो मैंने यहाँ लिखा 11 नंबर पर MON
के ई वाई मंकी। फिर भाई मंकी से भी मुझे बड़ा कौन लगा, तो मैंने यहाँ लिखा है पीकॉक, तो पी ई ए सी ओ सी के पीकॉक यहाँ लिखा। फिर पीकॉक से भी बड़ा कौन है, तो ये वाला स्लोथ, तो मैंने यहाँ स्लोथ लिखा। फिर स्लोथ से बड़ा कौन है, तो इन सब में मुझे लगी गोट मतलब बकरी, तो गोट को मैंने यहाँ 14 नंबर पे लिखा। और इन 15 एनिमल में जो सबसे बड़ा है वो है ये काऊ, तो काऊ यहाँ पर 15 नंबर पर आएगी। मैं एक बार फिर आपको दोनों के पिक्चर वापस दिखा रही हूँ, अच्छे से देख लेना, उसको पॉज करना, उसको जूम करके उसके स्पेलिंग अच्छे से लर्न करना, लिखना बुक में ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम और आगे इसी चैप्टर का सीखेंगे। तब तक के लिए सबको गुड बाय।